हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो निम्नलिखित में तीर्थ ये तत्सम शब्द है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा ही है। इनमें कतिपय शब्द तन रूप अपनी गरिमा हिंदी भाषा में अद्यतन बनाए हुए हैं, जो तत्सम के नाम से जाने जाते हैं। उक्त दिए गए विकल्पों में तीनों को छोड़कर डी तीर्थ संस्कृत का शुद्ध शब्द है, जो कि तत्सम शब्द है। अगला है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्निका या अनिगिष्टा या अनिष्टा या अनिष्टिकी। क्या आंसर होगा? आंसर आपको हो जाएगा सी। तो देखिए, अंगीठी का तत्सम शब्द अग्निष्टा होता है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य तीनों शब्द त्रुटिपूर्ण हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा तद्भव शब्द है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो सूरज ये तद्भव शब्द है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्धन भव जिसका आशय है उससे उत्पन्न ऐसे शब्दों को देखकर सहज ही अनुमान हो जाता है कि ये संस्कृत के किस शब्द से प्रस्फुट हुए हैं। जैसे दिए गए विकल्प में सूरज शब्द को देखकर स्पष्ट भान हो जाता है कि सूर्य शब्द से बना हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंख, नयन, नेत्र, दृक। तो देखिए, आंख ये तत्सम शब्द नहीं है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में नेत्र, नयन, दृक तत्सम शब्द है, जबकि आंख तद्भव शब्द है। आंख का तत्सम शब्द अचि होता है। पांचवा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख, दांत। मुख ये तत्सम शब्द है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्प में मुख तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव शब्द मुंह होता है। अन्य विकल्प कान, जीभ, दांत ये तद्भव शब्द हैं, जिनका तत्सम रूप क्रमशः कर्ण, जीहा और दंत होता है। अगला छठवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्शब्द तद्भव है? मधु, मधुकर, भ्रमर, भवरा। तो भवरा ये तद्भव शब्द है। व्याख्या देखते हैं। नीतिश विकल्पों में मधु, मधुकर या भ्रमर ये तत्सम शब्द हैं, जबकि भवरा तद्भव शब्द है। भवरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। अगला है कि सिंगार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो आंसर आपका श्रृंगार हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंगार शब्द का तत्सम रूप श्रृंगार शब्द है। अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। अगला देखते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप होगा हरिद्रा। व्याख्या देखते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द हरिद्रा होता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। अगला है, गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? गोधूम, गोहूं, गोहूं या गोधूम। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। तो देखिए, गेहूं शब्द का तत्सम रूप होगा गोधूम, क्योंकि गेहूं शब्द का तत्सम शब्द गोधूम होता है। अन्य तीनों विकल्प असत्य हैं। अगला है, खंडर का तत्सम शब्द क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो खंडर का तत्सम रूप होगा खंड ग्रह। खंडर शब्द का तत्सम शब्द खंड ग्रह होता है, ना कि अन्य दिए गए तीनों विकल्प वाले शब्द। अगला है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेषण है। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें विशेषण होगा उपासक। व्याख्या देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। उपासक विशेषक शब्द है।
अगला है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देख सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा चार विशेषण और दो विशेष। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्प में चार विशेषण और दो विशेष हैं। भले और महान उचित और संयमित विशेषण है, लोग एवं व्यवहार विशेष। अगला है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो उक्त वाक्य ये दूध की विशेषता बता रहा है। विशेषता देखते हैं, सॉरी व्याख्या, दिए गए विकल्प में अधिक शब्द दूध की विशेषता बतला रहा है, ना कि गाय की। अधिक एवं कम परिमाणवाचक शब्द हैं। अगला देखते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण या परिणाम बोधक विशेषण। तो आंसर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में गुणवाचक विशेषण है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो ये विषाद शब्द विशेषण नहीं है। दिए गए विकल्पों में उत्कृष्ट, निकृष्ट और ध्रष्ट शब्द विशेषण है, जबकि विषाद शब्द विशेषण नहीं है। यह एक संयुक्त क्रिया है, जहां क्रिया में दो या दो से अधिक धातु मिले हों वहां संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो आंसर हो जाएगा आपका मानस, जो कि विशेषण नहीं है। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्प में सज्जन, दुर्जन, सुकुमार विशेषण शब्द है, जबकि मानस विशेषण नहीं है, अपितु यह शब्द कर्म का द्योतक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ये तुम, ये विशेषण नहीं है। व्याख्या देखते हैं, आगामी, काला और शान विशेषण शब्द हैं, जबकि तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह और ये। अगला है, विशेषण शब्द हैं ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो विशेषण शब्द हैं लघु। व्याख्या में देखते हैं, लघु विशेष शब्द है, लाघव इसका विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में विशेषण पद हैं उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो आंसर हो जाएगा आपका उमा। व्याख्या देखते हैं, कालिमा, महिमा, मधुरिमा विशेषण शब्द हैं, जबकि उमा विशेष पद हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयत, लोचना, वंदना। आंसर हो जाएगा उपासना। व्याख्या देखते हैं, उक्त प्रश्न विकल्पों में उपासना विशेषण शब्द है। अगला, जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो आंसर हो जाएगा रसना। व्याख्या देखते हैं, जीव का पर्यायवाची शब्द रसना होता है, जबकि वचन, ध्वनि और जीव का जीव से कोई आशय नहीं है। अगला, एक कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरक, सरीसृप, पवनास, सिदुर। आंसर हो जाएगा सिदुर। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में अहि का पर्यायवाची शब्द सिदुर नहीं है। सिदुर का आशय हाथी से है, जबकि अहि, उरक, सरीसृप और पवनास सर्व का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संस्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्थिक। आंसर होगा प्राकृतिक। व्याख्या देखते हैं, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द प्राकृतिक होता है, जबकि संस्कृत, चमत्कृत और चतुर्थिक का नैसर्गिक शब्द में कोई लेना देना नहीं है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कटी, हस्त, पाणी, कर। आंसर हो जाएगा कटी। व्याख्या देखते हैं, हाथ का पर्यायवाची शब्द कटी नहीं होता है, जबकि हस्त, पाणी और कर हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं।
कटी शब्द कमर प्रदेश के लिए प्रयुक्त तो होता है। 25 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, तिनकर, दिनेश। आंसर हो जाएगा विभाकर। सूर का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर, तिनकर और दिनेश होता है, जबकि विभाकर सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है मयंक। व्याख्या देखते हैं, मयंक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयंक का आशय चंद्रमा से है, जबकि चंद्र, तप, कमोदी और ज्योत्सना चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। 27 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वीणा पाणी, महाश्वेता, पग्दा, भारती। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है पग्दा। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्प में पद्मा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। पद्मा का अर्थ है लक्ष्मी से, जबकि वीणा पढ़ी, महाश्वेता और भारती, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अगला, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? राम का है, कृष्ण का है, विष्णु का है या ब्रह्मा का है? तो जनार्दन ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। व्याख्या देखते हैं, जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। जनार्दन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं हरि, लक्ष्मीकांत आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधि, जलत, जलधि, वार्ति। देखिए, समुद्र का पर्यायवाची जलत नहीं है। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्प में समुद्र का पर्यायवाची पयोधि, जलधि, वार्ति होता है, जबकि जलत शब्द का आशय बादल से है। समुद्र का अन्य पर्यायवाची शब्द रत्नाकर, नीलनिधि और पयोनिधि, उर्धि, वारिस आदि है। अगला है, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची शब्द है रुद्र। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्प में शिव का पर्यायवाची शब्द रुद्र होता है, ना कि शिवालय, रुद्रास, हरि। शिव का अन्य पर्यायवाची शब्द है शंभु, त्रुपारी, महादेव, देवादि देव, कैलाशपति, शंकर। अगला है, अथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण है, तो अथ का पर्यायवाची शब्द होगा इति। अत का विलोम इति होता है, जबकि पूर्ण का विलोम अपूर्ण, समाप्त का आरंभ और खत्म का शुरू होता है। अगला, अविग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अविग का विलोम शब्द होगा अज्ञ। अविग का विलोम अनविज्ञ होता है, जबकि अज्ञ का विज्ञ होता है, क्योंकि विकल्प में अनविज्ञ नहीं दिया गया है, अतः अविग का विलोम शब्द अज्ञ होगा। अगला, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतज्ञ। कर्तज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है, जबकि जड़ का चेतन, संवेदनशील का संवेदनशील, अकृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। अगला, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण होता है, ना कि विस्तार, विकीर्ण, संक्षेप। अगला, अनुरुक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरुक्ति का विलोम शब्द होगा विरिक्ति। व्याख्या देखते हैं, अनुरुक्ति का विलोम विरक्ति होता है, जबकि विराग का अनुराग तथा तिरोभाव का आविर्भाव होता है। अगला, साक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा? तो साक्षेप का विलोम शब्द होगा निरपेक्ष। आंसर हो जाएगा सी। व्याख्या देखते हैं, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, जबकि असाक्षेप, निक्षेप या अपेक्ष शब्द का आशय प्रश्न से बिल्कुल असंबंध है। अब 37वां है, विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो विग्रह का विलोम शब्द होगा संधि। विग्रह का विलोम संधि होता है, ना कि आग्रह, ग्रहण और अविग्रह। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? सी, उन्नत अवगत। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विलोम युग्म में अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज और आदान प्रदान सही विलोम युग्म है, जबकि उन्नति का विलोम अवनति होता है, ना कि अवगत। अगला, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो यथार्थ का विलोम शब्द होगा आदर्श। यथार्थ का विलोम आदर्श होता है, वही कृत्रिम का प्राकृत, अनुचित का उचित और उचित का अनुचित होता है विलोम शब्द। अगला, साधु का विलोम शब्द क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण है, तो साधु का विलोम शब्द होगा असाधु। देखिए, साधु का विलोम असाधु होता है, ना कि साध्वी, संन्यासी और साधुनी। इसमें यह पूछ रहा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है,
ये बर्तनी अशुद्ध है। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में लंगड़ या बुचकर या कोकर शब्द शुद्ध है, विकल्प डी दिया गया है सद्भुक्कड़ अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा भुक्कड़। अगला कि किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है, ये पूछ रहा है, आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, निर्नासुक या गर्थ्यत या अंत चेतना दोनों शुद्ध हैं, जबकि छिद्राविधि अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा छिद्रानुवेशी। 43 में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, 1, 2, 3, 4 यानी ए बी सी या डी। आंसर डी होगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसमें ये पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, ए बी सी या डी, तो आंसर हो जाएगा डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, विकल्प वाक्य शुद्ध है। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द क्या होगा, तो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द होगा कवित्री। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कवित्री है, अन्य तीनों विकल्प। अगला देखते हैं, 46, निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, आंसर ए हो जाएगा, दिए गए विकल्प में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द सुसुसा है, अन्य शब्द तीनों शब्द। इसमें भी आपको बताना है कि इसमें शुद्ध बर्तनी कौन सी होगी, तो ईर्षा, आंसर जगह डी। अगला है, निम्नलिखित में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, उज्ज्वल, ये अशुद्ध है। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में उल्लंघन, मनोरथ और वत्सल सही शब्द हैं, जबकि विकल्प सी में दिया गया उज्ज्वल शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध बर्तनी रूप होगा उज्ज्वल, यानी कि आधा जा ये दो और लगेंगे तब ये शुद्ध हो जाएगा। अगला है, शुद्ध शब्द रूप कौन सा है, इसमें आपको ये बताना था कि शुद्ध शब्द रूप कौन सा होगा, तो टी आंसर हो जाएगा। अगला है, ऊंट का जा रहा है बाघ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो ऊंटों का काफिला जा रहा है, ये शुद्ध होगा। दिए गए विकल्पों में काफिला शब्द शुद्ध प्रतीत होता है, ना कि कारवा जत्था या बेड़ा। 41 है, सॉरी 51 है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए प्रदान की जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। 52 क्वेश्चन है, आधी रात का समय, तो देखिए आधी रात का समय होता है निश्चित, आधी रात का समय के लिए प्रयुक्त शब्द निश्चित होता है, ना कि सर्वरी, बीवावरी और निशा। 53 क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अर्किचन। अगला, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो जिसे बुलाया ना गया हो तो उसके लिए शब्द होता है अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है अनाहूत, जबकि अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो, इसी प्रकार अभ्यागत या रिश्तेदार का प्रश्न से कोई आशय नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मोक्षु। व्याख्या देखते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्षु कहा जाता है, ना कि योगी, मुक्तिकामी या तपस्वी। अगला है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है निफ्थय। व्याख्या देखते हैं, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है निफित, ना कि पृष्ठभूमि, मंच प्रस्थ या गुहा मंच। अगला है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द होगा समिधा। व्याख्या देखते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा, ना कि हवन सामग्री, वन कास्ट या शुष्क कास्ट। 58 क्वेश्चन है, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, तो दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उनको कहा जाता है दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहा जाता है, ना कि विश्वंबर, दिक्पाल या पैगंबर। अगला है, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको कहते हैं कानिन। व्याख्या देखते हैं, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन कहते हैं, ना कि अवैध पुत्र, कन्या पुत्र या कुमारी सतु। अगला है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द होगा जठराग्नि। देखिए पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है जठराग्नि, ना कि तवाग्नि, वर्णवाग्नि या मंदाग्नि।